नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 2 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल व ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिल रही है। इसके अलावा वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के अंदर आपको वहाँ पर फ्री क्यूज है जो दी जा रही है। ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर इन्फ्यूजन नोट्स के द्वारा आपको साथियों ई नोट्स के अंदर है जो नोट्स की सुविधा है जो प्रदान की जा रही है काफी किफायती रेट के अंदर। तो आज के दिन का पहला क्वेश्चन, मशहूर गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो सवर स्वामिनी आशा के नाम से है जो साथियों इसको लॉन्च किया गया है। सवर स्वामिनी आशा के नाम से साथियों जो मशहूर गायिका है आशा जी, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है। इस अवसर पर साथियों सोनू निगम आशा ताई की जो पोती है दनाई वो भी उपस्थित थी। और इस अवसर पर साथियों सोनू निगम ने जो आशा भोसले जी के हैं जो उच्चारण भी धोए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि मशहूर गायिका आशा ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो सवर स्वामिनी आशा के नाम से है जो साथियों ये अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है इन्होंने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है जो शुरू की है? यहाँ पे आपको क्या करना है साथियों, लड़की बहन योजना करना है। तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंदर होगा क्या साथियों, इस योजना के माध्यम से राज्य की सभी जो योग्य महिलाएं हैं उनको हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों की जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो इसके अंदर लाभार्थी आएंगे उनके साथियों वार्षिक जो आय है क्या है, जो वार्षिक पारिवारिक आय है वो 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो 2.5 लाख रुपये से कम है वो महिलाएं साथियों इसके अंदर पात्र होगी। और इन्हें साथियों प्रत्येक महीने 1500 रुपये की है जो आर्थिक सहायता महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। योजना से संबंधित अगर करंट अफेयर्स बनना है तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने भारत को कौन सी श्रेणी में रखा है? वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने भारत को कौन सी श्रेणी में रखा है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नियमित अनुवर्ती श्रेणी के अंदर रखा गया है। वैश्विक धन शोधन निरोधक निकाय वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में डाल दिया है। यह निर्णय 26 से 28 जून को साथियों सिंगापुर में आयोजित जो FATF की पूर्ण बैठक थी उसके अंदर लिया गया। रूस, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी के अंदर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने भारत को कौन सी श्रेणी में रखा है नियमित अनुवर्ती के अंदर। वैश्विक धन शोधन निरोधक निकाय वित्तीय कार्रवाई बल ने साथियों ये जो निर्णय है वो 26 से 28 जून को जो सिंगापुर में बैठक आयोजित हुई थी उसके अंदर लिया था। उसके अंदर साथियों भारत के साथ रूस, फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम है जो शामिल है उनको भी साथियों नियमित अनुवर्ती श्रेणी के अंदर रखा गया है। दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को है जो किस रूप में मनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट साथियों रहेगा कि नई दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस रूप में मनाया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीक के रूप में। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन DMD विभिन्न सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर 30 जून से 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाएगा। सप्ताह भर चलने वाला यह उत्सव IAM पूर्वी दिल्ली शाखा के सहयोग से साथियों 30 जून को हेल्थ वॉक के साथ है जो शुरू किया गया है। डॉक्टर वीक का समापन 7 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आरोग्यम 2024 एक पूरे दिन के वैज्ञानिक कार्यक्रम और प्रतिष्ठित डॉक्टरों के सम्मान के साथ होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली में जुलाई के पहले सप्ताह को किस रूप में मनाया जाएगा, तो डॉक्टर वीक के रूप में इसको मनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट ये रहेगा डॉक्टर वीक का समापन साथियों 7 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आरोग्य 2024 के अंदर साथियों एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके अंदर जो प्रतिष्ठित डॉक्टर है उनको सम्मान भी किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। दुनिया का प्रथम देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो आंसर आपका रह जाएगा डेनमार्क। दुनिया का प्रथम देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की, तो आंसर होगा डेनमार्क।
डेनमार्क सरकार ने गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। डेनमार्क कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश है, बन गया है। ये इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का प्रथम देश जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो डेनमार्क के अंदर साथ ही ये घोषणा हो चुकी है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि डेनमार्क सरकार ने गायों, भेड़ों और सोरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस पर है जो टैक्स लगाने की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय रेलवे में पहली बार सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है, ये किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र के अंदर है। मध्य रेलवे ने इगतपुरी में भारतीय रेलवे का पहला रेल का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई है। मध्य रेलवे के ही अधिकार क्षेत्र में एक झील है जिसकी क्षमता साथियों कितनी है? 1206 मिलियन लीटर पानी की है। इस झील में फ्लोटिंग प्लांट लगाने की योजना है जिसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजे दिया गया था। तो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय रेलवे में पहली बार सेंट्रल रेलवे ने साथियों इगतपुरी झील में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया है, ये किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र के अंदर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारतीय रेलवे ने पहली बार सेंट्रल रेलवे ने इगतपुरी झील में फ्लोटिंग जो सोलर पावर प्लांट लगाया है वो किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। और ये झील का नाम भी इत्तीपुरी है, जो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं जो कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान चेयरमैन दिनेश खारा का जो कार्यकाल है साथियों वो 28 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार की वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अगले चेयरमैन के तौर पर चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी के नाम की है जो सिफारिश की है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों, जो बैंक के एग्जाम होने हैं 8वें महीने के अंदर, उसके अंदर ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। और बैंक के अंदर साथियों करंट अफेयर्स का लेवल काफी हाई आता है, तो कई बार जो सीधा का सीधा क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया जाता है। तो उसमें ये क्वेश्चन रहेगा कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं। ये किसका स्थान लेंगे साथियों? ये जो वर्तमान के अंदर चेयरमैन है कौन है? दिनेश खारा जी हैं। इनका जो कार्यकाल है वो 28 अगस्त 2024 को समाप्त हो रहा है। इससे में साथियों केंद्र सरकार की जो वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो है उसने अगले चेयरमैन के तौर पर चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी के नाम की है जो सिफारिश है जो की है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा और आपसे पूछा भी जाएगा। हाल ही में किस देश में आयोजित किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में जो भारतीय नौसेना ने भाग लिया? तो यूएसए के अंदर। यह 2 वर्ष में साथियों एक बार होता है जो रिमपैक आयोजित रिमपैक जो अभ्यास है साथियों, यह साल में नहीं बल्कि 2 वर्षीय अभ्यास है, यानी 2 वर्ष में साथियों एक बार इसका आयोजन किया जाता है। किस देश में यह आयोजित किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, यूएसए के अंदर आयोजित है जो ये किया गया है। और इसके अंदर साथियों भारतीय नौसेना ने भाग लिया है। और ये कौन सा संस्करण है? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, ये कौन सा संस्करण है रिमपैक अभ्यास का? तो साथियों ये 29वें क्रम का अभ्यास है। इसमें भारत की ओर से INS शिवालिक ने भाग लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 29वें क्रम का है, साल में नहीं यानी द्विवर्षीय है, साल में नहीं होता लेकिन 2 वर्ष में एक बार होता है। अब की बार ये 29वें क्रम का है, इसमें भारत की ओर से INS शिवालिक ने भाग लिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में किस देश में आयोजित रिमपैक अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भाग लिया? यूएसए के अंदर हुआ। और इसके अंदर कौन से जहाज ने? तो INS शिवालिक ने है जो इसके अंदर भाग है जो लिया है, ये अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं वहां से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं और सीधे के सीधे साथियों कई बार है जो पूछे लिए जाते हैं, तो ये अपने को याद रखना है। इंपॉर्टेंट ये युद्ध अभ्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में IMF के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक के अंदर है जो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 72वां स्थान है जो साथियों भारत को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह रैंकिंग है जो जारी की गई है, इसमें भारत को 72वां स्थान मिला है। भारत का स्कोर 0.49 रहा। प्रथम स्थान किसको
सिंगापुर को मिला। ये भी अपने को याद रखना है कि हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को साथियों 72वां स्थान है मिला, और भारत का स्कोर है जो 0.49 का रहा है। और आपसे पूछे कि भी प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो प्रथम स्थान पर इसके अंदर है सिंगापुर रहा है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? सिंगापुर इसके अंदर है जो प्रथम स्थान पर रहा है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में जारी ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान है किसे मिला है? तो वियना ऑस्ट्रिया। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला? वियना ऑस्ट्रिया को है जो साथियों इसके अंदर है जो शीर्ष स्थान है मिला है। द इकोनॉमिक्स्ट की सहयोगी संस्था द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की लिस्ट जारी की है, जिसमें शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो साथियों इसके अंदर है शीर्ष स्थान पर है। इस लिस्ट में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों में पाकिस्तान का शहर कराची शामिल है। यानी साथियों अपना जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसका जो शहर है कराची, वो इसके अंदर साथियों सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों की जो सूची है उसके अंदर उसको शामिल किया जा चुका है। और आपसे पूछे कि शीर्ष स्थान पर कौन है? वियना ऑस्ट्रिया इसके अंदर है शीर्ष स्थान पर है। और ये जो रैंकिंग है जो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये रैंकिंग द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने दुनिया के सबसे रहने योग्य शहरों की जो लिस्ट है जारी कर दी है। इसके अंदर वियना ऑस्ट्रिया शीर्ष स्थान पर है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले शहरों के अंदर आपसे पूछे कौन रहा, तो पाकिस्तान का शहर है कराची इसके अंदर शामिल है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। आपकी सुविधा के लिए साथियों टेलीग्राम चैनल पर, इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप चैनल पर, उसके अलावा साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने अगर इन्फ्यूजन नोट्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कीजिए। वहां पर आपको साथियों डेली करंट अफेयर्स मिलेगा प्रत्येक स्टेट का। इसके अलावा साथियों वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की क्यूज भी मिलेगी, और साथियों अन्य भी है जो फ्री मटेरियल आपको है जो वहां पर पढ़ने को मिलेगा। अगर आप ई नोट्स हैं, जो इन्फ्यूजन नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनके ई नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो भी सुविधा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर आपको मिल जाएगी। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद साथियों।